किसान भाइयों, स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एस के आनलोन में। किसान भाइयों, हमारे किसान भाई काफ़ी इन जंगली जानवर आवारा पशुओं से बहुत ही परेशान है, तो इसकी रोकथाम के लिए आज मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ अपने हाथों से करके दिखाऊंगा कि इसका आप जुगाड़ कर लें, उपाय कर लें, जिससे आपकी गेहूँ की फसल में ये आवारा पशु, जंगली जानवर इत्यादि कोई भी जानवर हो, आपकी नील गाय हो गए, जंगली सुअर हो गए, हिरण हो गए, बंदर हो गए इत्यादि कोई भी जानवर हो, तो आपकी फसल के पास बिल्कुल आएंगे नहीं। सिर्फ बिल्कुल आपको ये एक्सपेरिमेंट में करके दिखाने जा रहा हूँ, जिससे इसके फसल के ऊपर डालने से जब जानवर, कोई भी जानवर आपकी फसल में आएगा और आपके पौधे में मुँह मारेगा, तो बिल्कुल मुँह मारते ही तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि एक ऐसा जुगाड़ मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। वीडियो किसान मित्रों पूरा ज़रूर देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। किसान भाइयों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे खेत हैं जो बिल्कुल कोई भी यहाँ पे नील गाय वगैरह इत्यादि नहीं आ रहे हैं, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा इन्होंने क्या जुगाड़ कर रखा है। क्योंकि नील गाय और जंगली सुअर इत्यादि बहुत से जानवर हैं, क्योंकि पास में जंगल पड़ता है तो वो निकल के आ जाते हैं, लेकिन इनकी गेहूँ की फसल में नील गाय, जंगली सुअर, आवारा पशु नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल जो इन्होंने ये उपाय अपनी फसलों पर कर रखा है, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या जुगाड़ कर रखा है। चलिए वीडियो शुरू कर लें। किसान मित्रों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके खेत के गेहूँ की फसल में ये नील गाय वगैरह जहाँ से आते हों, तो आप वहाँ पर देख लेना कि उनका जो गोबर होता है वो आपको मिल जाए। अगर वहाँ पर आपके खेत में नहीं है गोबर, तो आपको नील गायों का गोबर ढूंढ के ले आना है। नील गाय का आपको लेड़ी, जो इस प्रकार से नील गाय का गोबर होता है, आपको अपने खेत के आसपास नहीं अगर मिले तो आपको कहीं से ले आना है। उस आपको मैं करना क्या है आप लोगों को, किसान भाइयों, मैं यहाँ पे नील गाय का गोबर, एक जो लेड़ी होती है, एक किलो लगभग ले आया हूँ, तो ये हमारे लगभग एक एकड़ के लिए ये पर्याप्त मात्रा में है। आपको करना क्या है, आपको लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाता हूँ। अगर आपको गीला मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर सूखा मिल जाए तो आपको इस प्रकार से, आपको गीला अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर सूखा मिल जाए तो सूखा आपको ले आना है। अपने जितना आपका खेत हो उसी के हिसाब से आपको ये नील गाय की लेड़ी, जो गोबर जिसे बोलते हैं, वो आपको ले आना है। तो उसका करना क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से आपको कर लेना है, और एक बड़ी सी बाल्टी ले लें, उसमें आप डाल लें। पहले आप सूखे गोबर को इस प्रकार से महीन कर लीजिए, इस प्रकार से महीन कर लीजिए, जिससे ये हमारी बाल्टी में आसानी से खुल जाए। मैं अभी लाइव प्रूफ के साथ बिल्कुल आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। अब आप लोगों को करना क्या है कि एक बाल्टी ले लें, उसमें जितना आपका खेत हो उसी प्रकार आप उतना पानी ले लें। अब बाल्टी में आपको इस प्रकार से डाल देना है, किसान भाइयों, आपको करना क्या है, लगभग ये नील गाय की लेड़ी जो गोबर होता है उसको आप बाल्टी में लगभग 5 मिनट पड़ा रहने दें, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये किस प्रकार से बिल्कुल कैसे तैयार होता है। किसान भाइयों, इस प्रकार से आपको बाल्टी में घोर लेना है, उसके बाद क्या करना है वो भी आप लोगों को मैं बता दूँ। एक बड़ी लकड़ी ले ली, एक बड़ी लकड़ी ले लें, इस प्रकार से आप चला दें। किसान मित्रों, बहुत ही अच्छा, हमारी फसल के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक है, जिससे ये जंगली जानवर और आवारा पशु, सुगर इत्यादि होते हैं, ये हमारी फसल के पास बिल्कुल आएंगे नहीं। किस प्रकार से ये डालना है वो भी आप लोगों को मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ, आपको किस प्रकार से अपनी फसल के ऊपर इसका प्रयोग करना है। मित्रों, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा फोराडीन इसमें डिब्बे में ले आया, लेकिन वो पैकेट में आता है, इसमें मैं थोड़ा फोराडीन ले आया हूँ। घर से आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा फोराडीन के आपको दाने डालने हैं, इसमें लगभग 50 से 100 ग्राम पड़ जाएं। फिर इसे अपने हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इस प्रकार से। किसान मित्रों, ये हमारा तैयार हो गया है बिल्कुल। आपको करना क्या है कि जो बड़ा बड़ा जो लेड़ी नील गाय की रह गई है, आपको वो घुर नहीं पाई है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ से हटा देना है इस प्रकार से। अच्छा अच्छा बिल्कुल घोल हमारा बनकर ये तैयार हो गया है, हमारा बन के तैयार हो गया है। किसान मित्रों, अब इसका करना क्या है आप लोगों को, वो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में। किसान भाइयों, यहाँ पे आप घोल बनके तैयार हो गया है, तो आपको अपनी जहाँ से नील गाय ज़्यादातर आते हों, तो अपनी फसल को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से
रास्ता है, तो रास्ता इधर से जो नीलगाय आने का ज़्यादा चांस रहता है, तो आपको इसी साइड सबसे ज़्यादा ये उपाय करना है ताकि आपकी फसल के पास ये नीलगाय और जो जंगली इत्यादि जानवर हों वो आ ना सकें। किसान मित्रों, आपको लगभग हफ्ते में 2 बार इसका प्रयोग करना है, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड में आप लोग जानते ही हो ओस ज़्यादा गिरती है। ये ओस गिरने के कारण ये जो फसल के ऊपर ये इस जुगाड़ का प्रयोग हो रहा है, तो इसका आपका आपके खेत में लगभग 3 से 4 दिन तक असर रहेगा। आपको फिर 3रे या 4थे दिन इस विधि को अपनानी है, जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहे और ये नीलगाय और जो जंगली सुअर आवारा पशु आपकी फसल के पास ये आ ना पाए। किसान मित्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, लाइक के साथ कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।